चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की आपकी विज्ञान यानी कि साइंस देख रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि 8 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। लास्ट 8वां चैप्टर था आपका जीव जनन कैसे करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में। एक बात और याद रखिए, मैं धीरे धीरे जैसे ही टाइम मिलता है वैसे कवर कर रहा हूँ। इसी तरह से हम लोगों ने कक्षा 6वीं से लेकर अभी तक की जो भी आपके लिए जरूरी बुक्स हैं सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के लिए, तो वो कवर करवा दी गई है। ठीक है, 11 और 12 की और बचती है, तो जैसे ही टाइम मिलता रहेगा इन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है तो आप बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं, और बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई है, किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। इसलिए आपकी टेलीग्राम पर सभी बुक्स डाल दी गई हैं, वही बुक्स डाली गई हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और अभी तक की जितने भी आपकी क्लासें ली गई हैं वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनाई गई है उसी में डली हुई है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। और यही विज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे कि इन्हीं के कुछ चैप्टरों से आपके क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं, और यही पढ़ने की आपको सलाह भी दी जाती है। आप जो सोच रहे हैं कि आप अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं या कहीं स्टेट पीसीएस में जा रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को कम से कम आप सोचिए, मानव विज्ञान जो ऐसी है कि आप लोगों वहां रह रहे हैं तो वहां कोई बीमारी फैल रही है या कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में आपको मालूम तो होना चाहिए। एक तरह से आपको जनता की सेवा, देखिए नेता जनता की सेवा नहीं करते हैं, उसे आप लोग बाखूबी जानते हैं, आप ही लोग मदद करते हैं उनकी, आप ही लोग एक तरह से उनकी सेवा करते हैं। नेता तो कहने के लिए जनता की सेवा है बस। हमने देखा कि जनन प्रक्रम द्वारा नए जीव वृष्टि उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि आलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें वृष्टिगत पौधों में बहुत कम भिन्नताएं देखने को मिलती हैं या दिखाई पड़ती हैं। मानव एवं अधिकतर जंतु तो लैंगिक जनन द्वारा संपन्न उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यक्तिगत स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती हैं। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है, तथा जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। अब आप में से कई लोग कहते थे कि वो क्या अंतर होता है, भिन्नताएं क्या होती हैं मनुष्य में। आप देखते होंगे कि दो पैर आपके दादाजी के थे और आपके भी चले आ रहे हैं, और आपके आगे भी पीढ़ी में चले आएंगे। दो आंखें भी थी, एक मुंह भी था, दो हाथ भी थे, लेकिन आप सोचिए कि इस तरह से आपको दिखाई नहीं देगी भिन्नताएं। आपको आपने देखा होगा कि आपका ब्लड ग्रुप अलग है, उनका ब्लड ग्रुप अलग है, देखते होंगे आप लोग, तो इस तरह से भिन्नताएं रहती हैं। चलिए आगे और भी जानते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प डिजाइन एवं कुछ भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 9.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करते हैं, जैसे कि आलैंगिक जनन में होता है। लेकिन मानव में आप देखते हैं कि द्विलैंगिक जनन यानी कि फीमेल और मेल का दोनों का बराबर योगदान होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 वृष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समान न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधताएं अपेक्षाकृत और अधिक होती हैं। इसके विषय में हम अनुवांशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र नंबर 9.1। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। शीर्ष पर दर्शाई गई पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देने देंगे जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना को एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इसमें ऐसे प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए 4 वृष्टि जीव वृष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं।
जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न हो, यह आपको दिखाई दे रहा हो। देख रहे हैं यहाँ बदल जाता है कुछ, तो इस तरह से विभिन्नताएं होती हैं। एक जैसे भी होते हुए भी आप देखेंगे कि मतलब कई तरह की इसमें आपको अलग दिखाई देंगे, विभिन्नताएं दिखाई देंगी। ठीक है, क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास का विक्रम का आधार बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी जो आप लोगों ने ऊपर टॉपिक देखा है, ये एक तरह से इसी से संबंधित क्वेश्चन से आपके। सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए अनुवांशिकता, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। जनन विक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभी कल्पना का हुआ। अनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं हम लोग। वंशागत लक्षण, वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। मानव समष्टि में यह विभिन्नताएं स्पष्ट आपको दिखाई देती होंगी। क्रियाकलाप 9.1, याद रखिए इन्हें आप लोगों को केवल पढ़ना है। जो क्रियाकलाप दिए जाते हैं इन्हें पढ़िए और आराम से निकल जाइएगा। ठीक है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली स्वतंत्र हो तथा जुड़ी हो। जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाइए। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशागति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कुछ की अलग देखने को मिलेगा, दोनों में भिन्नताएं कई लोगों में देखने को मिलेंगी। इन्हें आप लोगों को देखिए करते नहीं बैठना है। अब आप सभी के कानों की अवलोकन करते बैठ गए तो मालूम चला कि 1 से 2 साल इसी में आप लोगों ने गुजार दिए। तो आप लोगों को केवल क्रियाकलाप पढ़ना है और निकल जाना है आराम से। ठीक है, ए कान ए है और बी कान, स्वतंत्र कान और जुड़े कर्ण। देखिए यहां आप लोगों को स्वतंत्र दिख रहा होगा, नीचे आपको यहां बिल्कुल जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं, या कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, परंतु कुछ में नहीं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। आप लोग अपने चेक कर सकते हैं और नीचे आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, यही आप सब मिलकर हम लोग देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की वंशागति के नियम। मेंडल का योगदान क्या है? मेंडल का भी सुना होगा आप लोगों ने। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों को संतति यानी कि शिशु में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि दोनों का बराबर योगदान होता है। लेकिन ये अलग बात है कि आपके समाज में देखा जाता है कि लड़की पैदा होती है तो उसके लिए आप महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन असल में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके लिए पुरुष जिम्मेदार रहता है। आपने देखा है कि महिला में तो एक्स एक्स गुणसूत्र निकल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे एक्स वाई पुरुष में होते हैं। एक्स एक्स मिलकर आपकी महिला मतलब लड़की का जन्म और एक्स वाई पुरुष मतलब लड़के का जन्म। तो इसके लिए आप कभी विचार किया करिए कौन जिम्मेदार है। फिर भी हम लोग उल्टा वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल इसमें आपको दिखाई देता होगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, मेंडल बॉक्स में देखिए। इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए गए हैं। अनुप्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा और जो उसके लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे। देखिए पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जीवन रहा है 1822 से 1884 तक। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपनी मोनेस्टी में वापस गए
और मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया इन्होंने। उनके पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपनी विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को समर्पित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता भी मिली। अब बात करते हैं, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गोल छुईदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसमें विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे हो गए या बौने पौधे हो गए। इसे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों की प्रतिशत की गणना की। आप देखेंगे प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों से मिलकर केवल एक पितृक जन की लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्व परागण द्वारा उगाया। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, F1 F F इंटू F वन, लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबे सभी लंबे संगर्ध पौधे। इससे यानी कि मिलकर आप देखेंगे कि इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ लंबा इंटू लंबा पौधा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक लंबा हो गया, लंबा पौधा बौना पौधा। तो यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि दो बीज हैं मान लीजिए, उससे अगर मतलब उनमें से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है। F1 पीढ़ी के पौधों को स्व परागण द्वारा उगाया गया। पैतृक पीढ़ी की पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबी पौधे की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से एक चौथाई संतति बौने थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों लक्षणों को वंशा की वंशानुगति हुई है, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया है। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां की स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया और एक पैटर्न चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। यहां आप लोगों ने देख लिया ऐसे, ठीक है। क्रियाकलाप 9.9 आपका 2 है, इसे भी देख लेते हैं। चित्र 9.3 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F1 F2 पीढ़ी में वास्तव में TT और टी स्मॉल टी तथा स्मॉल TT का संयोजन 1:2:1 में प्राप्त होता है। इस व्याख्या में TT एक कैपिटल TT और एक टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल आप देखने को मिलेगा कि स्मॉल TT बौने पौधे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी दोनों प्रतियां टी की ही होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो स्मॉल टी लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी है आपको, इसे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ आप देख रहा होगा। आपको देखिए यहाँ TT और स्मॉल टी टी बौना पौधा है और लंबा पौधा है, इनसे मिलकर आपका लंबे लंबे पौधे मिल रहे हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि देखिए बौना पौधा तभी मिलेगा आपको जब स्मॉल टी और स्मॉल टी देखने को मिलेंगे, आपको लक्षण वाले देखने को मिलेंगे। और बाकी देखिए टी जो कैपिटल टी है, एक तरह से इसे कह सकते हैं आप लोग शक्तिशाली है, ये एक तरह से आप सोचिए स्मॉल टी को हावी नहीं होने देते हैं, ठीक है। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि छुरीदार बीजों वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण कहलाएंगे।
परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिश्चेषण से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 की संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ छुरीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे, परंतु F2 की पीढ़ी की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे, उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु छुरीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बना जो F2 पीढ़ी में अग्नि रहा। अतः लंबे बौने लक्षण तथा गोल छुईदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक और उदाहरण चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यहाँ 9.4 आपका चार है, इसे भी देख लीजिए, संकरण स्वनिश्चेषण, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र नंबर 9.5। दो अलग अलग लक्षणों बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वंशानुगति। यहाँ आपको देखिए गोल हरे बीज, ये इस तरफ आपको छुरीदार पीले बीज देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों संकरण कर रहे हैं, गोल पीले बीज आपको मिल रहे हैं इससे। यह आपको दिखाई दे रहा होगा 315 गोल पीले और 108 गोल हरे और 101 छुरीदार पीले और 32 छुरीदार हरे बीज, ये एक तरह से परिणाम है इनका। आप लोग जब भी आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं उस समय आपको ये देखने को मिलते भी हैं काफी, कि आप देखेंगे कि कौन कौन प्रभावी है, कौन अप्रभावी है, कौन मतलब अल्पकाल है एक तरह से कम प्रभावी रहता है, कौन अधिक प्रभावी पूरी तरह से रहता है। ठीक है, यह लक्षण अपने आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यह लक्षण अपने आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अनुवांशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन को का जीन कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पर पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करता है। हम लोगों में भी आप देखते हैं कि हार्मोन होते हैं जो एक तरह से आपके लंबाई के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जिसे आप लोग वृद्धि हार्मोन भी करते हैं। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस स्पेक्ट्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम स्पेक्ट्रम के लिए महत्वपूर्ण है, यह यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा कैसा होगा, लंबा। यदि इस प्रोटीन की जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगा, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और इससे आपको बौना पौधा देखने को मिलेगा। यह जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसी तरह से आप अपने ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं कि आप सोचिए कि आपकी लंबाई और एक ऊंचाई इसी पर निर्भर करेगी। ठीक है, यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है, यानी कि माता का और पिता का। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक पिटीकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन दो सेट होंगे, प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिका कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं। फिर इनमें जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है, यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 9.5 में दर्शाए प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है, यहां आपने देखा है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण यह है कि दो लक्षण आर तथा बाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप में आहरित नहीं हो सकते हैं। इससे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है, प्रत्येक
एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः पितैक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो पितैकिटियां होती हैं, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है, यानी कि मेल और फीमेल। प्रत्येक जनक कोशिका पित्तक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। जब दो युग्मों का संलग्न होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है, तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीसीज के डीएनए की स्थायित्व को सुनिश्चित भी करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि में से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीवों भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? या आप देखिए, पहले 9.6 चित्त को मानव में लिंग निर्धारण, यहाँ हम लोग लिंग निर्धारण की बात करेंगे, और यही ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं चित्त, फिर भी आगे भी देख लेंगे। ये आप देख रहे होंगे नर, यानी कि कहने का मतलब एक्स बाई गुणसूत्र। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक्स एक्स गुणसूत्र मदा, यानी कि फीमेल। यहाँ आप देखेंगे कि शुक्राणु यानी कि युग्मनज में आपको एक्स गुणसूत्र भी देखने को मिलेगा, बाई भी, और यहाँ केवल एक्स देखने को मिलेगा। आप लोगों से जो बोल रहा था ना कि अगर बच्चा पैदा, लड़की पैदा होती है, तो उसके लिए एक तरह से आप देखते हैं कि समाज में आज भी वो धारणा बनी हुई है कि महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे उनका जितना योगदान था वो दे रही है, लेकिन अब आप पर निर्भर करता है, यानी कि पुरुष यानी कि मेल पर, कि उसकी तरफ से कितना है। देखिए, यहाँ अगर एक्स एक्स मिलता है तो आपको मदा यानी कि फीमेल देखने को मिलेगी, यानी कि लड़की, और एक्स इसका बाई पुरुष, यहाँ आपको शुक्राणु में जो बाई गुणसूत्र रहेगा, अगर ए मिलता है एक्स से तो एक्स बाई होगा, और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, मेल यानी कि नर यानी कि लड़का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ सामान्य चर्चा है। आप लोग कक्षा 10वीं शुरू में 9वीं 10वीं में आप लोग इन्हें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा भी होगा। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीवों जीव किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसा होता है, अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कि कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचन अंडे युग्मक के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करते हैं कि संतति नर होगी या मादा, घोंगे यानी गहंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इसमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं है। लेकिन मानव में आप देखेंगे तो लिंग निर्धारण अनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जनक जीवों से वंशानुगत जीव जीन इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की होगी, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? लेकिन आपको इसमें देखने को मिलेगा दोनों बराबर जिम्मेदार। एक तरह से आप कहिए कि नर भी और मादा भी, एक तरह से आप लोग ये सामान मुझे लगता है जानकारी है कि आपके पास। आप सोचिए कि मान लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए कि एक क्या करते हैं, एक डंडे को काट दीजिए, या आप कुछ भी लीजिए, एक आप मैप्स है आपके पास। चलिए मैप्स इसलिए ले लेते हैं कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो मैप्स आपके सामने होना चाहिए। तो मान लीजिए कि भारत है 27, आप सोचिए अभी करंट में आपके 28 राज्य, कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात कर रहा हूं मैं अक्टूबर 2020 में, आगे बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, इस समय इतने भी है। आप सोचिए कि आप 28 लोग हैं, आपको सबको 28 एक तरह से आधे आधे राज्य दे देते हैं, दो लोगों को 14, आपको 14 आपको, तो भारत पूरा एक मैप्स जोड़ कर पूरा भारत का मानचित्र आपको दिखाना है, तो दोनों की बराबर भूमि क्या है, दोनों को जोड़ना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों का जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर ये है कि पुरुष के लिए यानी कि लड़के पैदा के लिए, लड़का अगर पैदा होता है तो पुरुषों को जिम्मेदार ठहरना, वैसे तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए किसी का। मतलब आप सोचिए, इसमें किसी का कोई जाना वो नहीं कर सकते हैं, इसमें ऊपर एक तरह से हम ऊपर वाले को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, लेकिन हकीकत में अगर महिलाओं को जिम्मेदार ठहराए तो महिलाएं पुरुष को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि इसमें उनका कोई एक तरह से योगदान नहीं है, क्योंकि
क्योंकि आजकल आप समाज में देखते हैं कि कई इस तरह की परंपरागत नियम बने हुए हैं, परंपरा बनी हुई है, जो भी हो, ठीक है। इसकी व्याख्या इस तत्व में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप और रूपेण योग में नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के पिति रूप होते हैं। इसकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु ये एक योगम जिसे लिंग गुणसूत्र सूत्र कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब तो आप देखते हैं 23 जोड़े होते हैं, लेकिन 22 जोड़े तो समान है, लेकिन जो 23 बार जोड़ा है ये आपको दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगा। महिला में आपको एक्स एक्स देखने को मिलेगा, पुरुष में एक्स वाई देखने को मिलेगा, जो सदा पूर्ण जो जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म होता है, दोनों एक्स एक्स यानी कि एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में अगर नर यानी कि आप देखेंगे तो यह जोड़ा परिपूर्ण होता जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र आपको सामान्य आकार का एक्स देखने को मिलेगा और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे आप लोग बाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या हम एक्स वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? एक तरह से आप कहिए कि इससे आप लोग बता भी सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ आपको ठीक। जैसा कि चित्र 9.6 में दर्शाया गया है कि समान आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़की, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। तो जो भी हम लोगों ने ऊपर टॉपिक देखा है उसी से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विकास। ये वो विकास नहीं है जो आप देखते हैं कि वर्तमान सरकार चलाती रहती है, ठीक है, ये विकास अलग है। हमने देखा है कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नताओं की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करें। एक दृष्टांत सोचिए कि 12 लाल भेंगों का एक समूह है, वे हरी पत्ती वाले झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कोए यानी कि कोए भेंग को खाते हैं, यानी कि कहने का मतलब जिसे क्या कहते हैं, कोवा कोवा, या फिर आप लोग जो भी आपकी भाषा हो उसमें कोए कोई जितने भेंगे खाएंगे उतने कम भेंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें जो इस भेंगों की समष्टि में विकसित हो सकते हैं। यहाँ आप लोग देखिए, एक समष्टि में विभिन्नताएं वंशानुगत तथा अन्य, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। हाथी का पैर प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नताओं का उद्भव हो सकता है, जिसमें समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भेंग दिखाई देता है। हरा भेंग अपना रंग अपनी संतान को वंशानुगत आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संततियों का रंग हरा हो जाता है। यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ ठीक है। कोए हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भेंग को नहीं देख पाते हैं, अतः उन्हें नहीं खा पाते हैं। क्या होगा, हरे भेंग की संतति का शिकार नहीं होता है, जबकि लाल भेंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भेंगों की समष्टि में लाल भेंगों की अपेक्षा हरे भेंगों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे ये पौधे के अगर पत्ता भी आप देखते हैं हरा भी होता है तो उसमें आसानी से एक तरह से छुपे रहते हैं। एक आपने कहावत सुनी भी होगी, किसके, तोता और बाकी आप देखते हैं कि कोवा रहता है, मोर रहती है, उसमें आप देखते होंगे कि बगुला भी रहता है, हंस भी रहता है। तो तोता क्या करता है, ये तोते की फायदा ये रहती है कि वो कहीं भी छुप जाता है, उसका रंग भी हरा होता है तो कोई शिकार भी नहीं कर पाता है, तो इसी तरह यहाँ भी दिखाया गया। दूसरी परिस्थिति में जन्म के समय एक रंग की विभिन्नताओं का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यदि भृंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है, फलस्वरूप इस भृंग की सारी संततियां नीली होती हैं। कोई नीली लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भरेंगे, परंतु अधिकतर भेंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिससे यह भेंग रहते थे। इससे बहुत से भेंग मारे जाते हैं, संयोग से कुछ नीले भेंग बच जाते हैं। इसकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसमें अधिकतर भेंग नीले थे।
हाथी देखिए, मसल ये हाथी अगर इस तरह का आप सोचिए पैर रखता है तो वो किसी को नहीं देखेगा कि हरा है, नीला है या लाल है। एक यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी समय के अंतराल में एक समान लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में कहें तो वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन के लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आकृति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार भी है। परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नताएं एक सामान विभिन्नताएं बनी विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तर जीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन को दोहरा किया जा गया। जितने अधिक कुएं होंगे उतने अधिक लाल बैंड उनकी शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे बैंगों का अनुपात संख्या बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम कहें तो रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला है। वास्तव में यह मात्र सहयोगी था कि दुर्घटना के कारण एक रंग के भृंग समष्टि बच गई जिससे कि समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटना किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है जबकि उनका उत्तर जीविता हेतु कोई लाभ ना हो। यह अनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। एक बात और याद रखिए, आप खुद ही देखकर देखिए कि कहाँ या इसमें समझाने लायक कुछ है। मुझे तो नहीं लगता है कि आप तक जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें कहीं आपको ऐसा शब्द मिला हो जो आपको समझ में ना आया हो। कोई टफ आपको शब्द नहीं, बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई। इसलिए तो कहता हूं कि आप लोग जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एक से दो बार आप लोग एनसीईआरटी को अपने आप से पढ़ लें। उसके बाद कहीं प्रॉब्लम होती है तो वहां हम लोग बताएं। अब मैं खुद समझ नहीं पाता हूं कि कहाँ बताया जाए। मुझे लगता है कि मुझसे समझदार आप लोग जाना है और मैं कहाँ क्या समझाऊं। अभी कोई बोलने लग जाएगा सर ये भी कुछ पढ़ाने चाहिए तो कवर करवा देता हूं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी मैंने सभी टेलीग्राम पर डाल दी। एक प्रॉब्लम ये बनी हुई थी जरूर कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, इनके बारे में विस्तार से बात की थी हम लोगों ने। और आपकी इसीलिए सभी वही वही ली गई हैं जो आपके लिए जरूरी है केवल। ठीक है, अब तीसरी स्थिति को देखिए कि इसमें भृंग समष्टि पढ़ना बढ़ना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग लग जाते हैं, भृंग के लिए पत्तियां कम होती जाती हैं, परिणाम स्वरूप भृंग अल्प पोषित रह जाते हैं। भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधे के रोग समाप्त हो जाते हैं तो भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा इस पर विचार कीजिए। आप देखेंगे नॉर्मल सी बात है कि फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस टॉपिक को भी देख लेते हैं, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विभिन्न विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं। यदि बुभुक्षण के कारण भृंगों के शरीर में के भाग में कमी आती है तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः बुभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भ्रंग कम भार के हों तो भी इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण लक्षण का वंशानुगत ना होना है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? जैव विकास। आइए जानने के लिए एक अर्जित अनुभव लक्षण जैव विक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहे का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूंछ होगी जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ विहीन वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं। एक कई विज्ञानिकों ने ऐसा किया भी है कि आप सोचिए छिपकली हो गई या चूहा हो गया, तो आप सोचिए कि चूहे की पूंछ काटने के बाद भी आपको देखने को मिलेगा उसका जो भी आने वाली पीढ़ी होगी वो उस पूंछ वाली ही होगी। ठीक है, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिका के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये सीधा कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि
पूंछ का योगदान नहीं है जनन करने में, ठीक है? अगर जनन करने में पूंछ का भी योगदान होता तो ये आपको बदलता हुआ दिखा रहा दिखाई देता। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 तक इनका जीवन रहता है। इनके इनका नाम भी काफी आप सुनते रहते हैं। चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए, वह घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोगों के लिए प्रयोग किए जिनके आधार पर उन्होंने अपनी प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीसीज में विभिन्नताएं आती हैं। उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता है, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक ना तो एक दूसरे को और ना ही उनके कार्यों के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु वह एक प्रकृति शास्त्री भी थे तथा उनका एक शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुए की भूमिका के विषय में भी था। केंचुए को आप देखते होंगे कि किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है? किसानों के लिए एक तरह से भूमि के लिए लाभदायक होता है। यही कारण है कि अनुवांशिकता की एवं वंशानुगति जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं का ज्ञान जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। वह अवश्य ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांत से अनभिज्ञ थे। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ये भी काफी आप लोगों में दिलचस्पी रहती है कि जीवन पर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। मेंडल के प्रयोगों से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता भी चलता है, परंतु दोनों ही ये बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। ये तो बता दिया कि लक्षणों की वंशानुगति में कार्यविधि चलती रही, बदलती रही, एक सरल जीव से जटिल जीवों में परिवर्तन होता रहा, लेकिन आखिर जीवन कहाँ से आया इसे बताने में दोनों लोग असमर्थ रहे। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, ने 1929 में सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इससे इस के उत्तर की परिकल्पना स्टेनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी ओरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं थे। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे आकाश में बिजली एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मेथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो गए। इससे अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। और तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? इस तरह से हो सकती है। इन क्वेश्चंस को भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं जाति उद्भव। ये जाति उद्भव आप सोचें कि आप इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, ये उसकी बात कतई नहीं की जा रही है, ठीक है? ये तो आपके नेताओं के लिए उपयोग करने के लिए वो जाति बनाई गई है कि वोट बैंक के लिए वो आपको जाति पाति सिखाते रहे, करते रहे। अभी हमने जो कुछ भी समझा वह सूक्ष्म विकास था। इसका अर्थ है कि ये परिवर्तन बहुत छोटे हैं, यद्यपि महत्वपूर्ण है। फिर
फिर भी यह विशिष्ट स्पीसीज की समष्टि के सामान्य लक्षणों स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि नई स्पीसीज यानी कि जाति का उद्भव किस प्रकार होता है। यह तभी कहा जा सकता है कि जबकि वरंगे का यह समूह जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ऊपर दो विभिन्न भिन्न समष्टियों में बट जाए तो आपस में जन्म करने में असमर्थ हो। जब हम स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम उन्हें स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र स्पीसीज यानी कि स्वतंत्र जाति कह सकते हैं। तो क्या हम उन कारणों का विस्तारण करें जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है? स्पीसीज की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। सोचिए क्या होगा कि वे झाड़ियां जिन पर भयंकर भोजन के लिए निर्भर करते हैं एक पर्वत श्रृंखला के बेहद क्षेत्र में फैल जाए, परिणाम स्वरूप समष्टि का आकार भी विशाल हो जाता है, परंतु वृष्टि भेंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं, वे बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। अतः भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नरदा नर एवं मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक हैं। अतः जनन परा इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा। हाँ, कुछ साहसी भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अथवा कौवा एक भृंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। यानी कि इतना भी एक तरह से जो मतलबी कौवा नहीं होगा वही ये कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोचिए कि कौवा ने मुंह में दबाया और दूसरी जगह गया और धोखे से छूट जाए, तो भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में आप्रवासी भृंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा, परिणाम स्वरूप आप्रवासी भृंग के जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का जीन प्रभाव उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग है परंतु पूर्ण रूप से अलग नहीं हुई। परंतु यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियों और अधिक पृथक हो जाएंगी, दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अनुवांशिक विचलन प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण हो जाएगा। भौगोलिक रूप से विलग इस समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी भिन्न होगा। अतः उदाहरण के लिए एक उप समष्टि की सीमा में उकाब चील द्वारा कुएं समाप्त हो जाते हैं, परंतु दूसरी उप समष्टि में यह घटना नहीं होती है जहां पर कौवा की संख्या बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप पहले स्थान पर भंगों का हरा रंग लक्षण प्राकृतिक चयन नहीं होगा जबकि दूसरा स्थान पर इसका चयन होगा। भृंगों की इस पृथक उप समष्टियों में अनुवांशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण चयन के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती जाती है। यह भी संभव है कि अंततः इस समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतर्जनन में असमर्थ हों। अनेक तरीके हैं कि जिनके द्वारा यह परिवर्तन संभव है। यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो सकती हैं। अथवा संभव यह भी है कि ऐसी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाए जिसमें हरे रंग की मदा भृंग लाल रंग के नर भृंग के साथ जनन की क्षमता खो दें, वह केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सकते हैं। यह हरे रंग के प्राकृतिक वरण के लिए एक अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है। अब यदि किसी हरी मादा भृंग दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जनन ना हो, परिणाम स्वरूप भृंगों की नई स्पीसीज का उद्भव होता है। ये भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं विकास एवं वर्गीकरण। इन सिद्धांतों के आधार पर हमने अपने चहु और यानी कि चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज के बीच विकास के संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह एक प्रकार से समय घड़ी से पीछे जाना है। हम ऐसा विभिन्न स्पीसीज के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। इस प्रक्रम को समझने के लिए हम कक्षा 9वीं में पढ़े जीवों के वर्गीकरण को स्मरण याद कर सकते हैं। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर भी प्रदान करती है। इसके लिए कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय कर लेते हैं? अभिलक्षणों में से हमारा क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या होते हैं? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का वितरण अभिलक्षण कहलाता है। क्या? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का वितरण क्या कहलाता है? अभिलक्षण। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष विकार अभिलक्षण कहलाता है। हमारे चार पाद होते हैं
और यह एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक क्या है, अभिलक्षण है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों में की आधारभूत इकाई है और वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है परंतु सभी जीवों में नहीं। कुछ में क्या है, समान हो सकता है लेकिन सभी में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक का होना या ना होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि अधिकतर जीवों की दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक दूसरे एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या ना होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतः कंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इन थोड़ी से प्रश्नों को जो हमने यहाँ पूछे हैं के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट यानी कि पास होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जैसे आप देखते हैं ना बंदर हमारे निकटवर्ती कहलाते हैं या पूर्वज कहलाते हैं, इसी तरह इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक उदाहरण, एक भाई बहन अति निकट संबंधी है, उनमें पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे अर्थात वे एक ही माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे में मेरे भाई भी उससे संबंधित हैं परंतु उसके अपने भाई से कम है। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान है अर्थात दादा दादी उनसे दो पीढ़ी पहले के थे के हैं ना कि एक पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात की को भलीभांति प्रकार से समझ सकते हैं कि स्पीसी जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंबित है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके चाचा हैं और आपके पिताजी हैं तो आपका भाई और आप बहन दोनों एक तरह से आप या आपकी बहन एक समान होंगे कुछ लक्षणों में, ठीक है। एक समान पूरी तरह से एक जैसे नहीं होंगे लेकिन काफी हद तक समान होंगे। लेकिन आपके चाचा के जो लड़के होंगे बच्चे होंगे वो भी आपके समान काफी हद तक समान होंगे लेकिन भिन्नताएं उनमें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन आपके भाई से ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, ठीक। भिन्नताएं कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सोचें कि वो उनके तीन पैर हो जाएं या तीन हाथ हो जाएं, ठीक है। अतः हम स्पीसीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूहों का एक बड़ा समूह बनाइए जिनके पूर्वज अपेक्षा के अधिक दूर समय के अनुसार के हों। सिद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां मात्र एक ही स्पीसीज थी। यदि यह सत्य है कि तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य ही आजैविक पदार्थों से हुई होगी और यह किस प्रकार संभव हुआ इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। यह रोचक होगा यदि हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकें। यह मेढक इच्छिपकली पक्षी मानव समझात अंग है, समान अंग समझात। विकासकीय संबंध खोजना, अगर विकासीय संबंध खोज लेते हैं, जब हम विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। विभिन्न जीवों में अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए। उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को भी लेते हैं कि पक्षियों सरीसृप एवं जल स्तरचर की भांति ही स्तनधारियों के चार पाद यानी कि पैर होते हैं। सभी में पादों का आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकी रुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समझात अभिलक्षणों से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीसीज के बीच विकास की संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। आप सोचते हैं कि आपने ये विकास ही तो हुआ है एक तरह से, आपने देखा है बंदर चार पैरों पर चलते थे उसके बाद हम लोगों ने विकास किया और आज हम लोग दो प्यारे एक तरह से हाथ जो कहलाते हैं इन्हें हम लोग ने मुक्त कर दिया कि और काम करिए जाइए, दो काम दो पैर से भी हम लोग काम चल सकता है चल सकते हैं, ठीक है। समरूप अंग की बात करें चमगादड़ एवं पक्षी के पंख या चमगादड़ और पक्षी के अंग। कई बार मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चमगादड़ के
पंख होते हैं, ये भी एक तरह से पैर का ही हिस्सा होते हैं। जिस तरह से हमारे पैर हाथ मुक्त हो गए, इसी तरह से इन्होंने अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से, याद रखिए जैसे आप लोग हर किसी की जरूरत के हिसाब से उन्हें उन्होंने अपना ढाल दिया उन्हें। परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान उभयनिष्ठ पूर्वज परंपरा नहीं है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख के विषय में आपके क्या विचार हैं? पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं, तो क्या पक्षी एवं चमगादड़ के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें, हमें पक्षी एवं चमगादड़ के पंखों को और बारीकी से देखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं, हमें पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उनकी दीर्घ अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है। परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है जो परों से ढकी रहती है। अतः दोनों पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्या, क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णता समान नहीं है। इस कारण उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। अब यह विचार करना रोचक होगा कि पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद को समजात माना जाए अथवा समरूप। एक तरह से आप मानिए कि आपने देखा होगा कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो कभी कभी आपको पानी सूट नहीं करता है, समझ रहे हैं? लेकिन उस समय उस जगह पर आप कुछ साल रुकते हैं तो आपको सब कुछ सूट करने लगता है। यानी कि ये भी आपने एक तरह से विकास कर लिया, समझ रहे हैं आप लोग? परिस्थिति के साथ ढल चुके हैं। अब बात करते हैं जीवाश्म। अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं की जा सकती है, वरन उन स्पीसीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। हम कैसे जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में थी? यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। जीवाश्म क्या है आखिर? सामान्य जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसके कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। आप भी तो सुनते हैं कि वहां खुदाई हुई तो जीवाश्म मिले, इस उसके थे, प्राणी के थे या इस स्पीसीज के जाति के थे, ठीक है? विभिन्न प्रकार के ये जीवाश्म विभिन्न आविर्भाव अथवा परिरक्षित विस्तृत अवस्थाओं को देखिए। डायनासोर का कपाल जीवाश्म को दिखाया गया है। कुछ वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में पाया गया था। ये जीवाश्म पेड़ का तना, ठीक है? जीवाश्म आकशेरुकी आमोनाइट, जीवाश्म आकशेरुकी ट्राइलोबाइट, ये जीवाश्म मछली नाइटिया, जीवाश्म डायनासोर कपाल, इसे राजा सोरस भी कहते हैं, ठीक है? हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? इस बात के आकलन के दो घटक हैं। एक है सापेक्ष, यदि किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सूचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी विधि है कि फॉसिल डेटिंग, जिससे क्या होता है कि जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तथ्य के विभिन्न समय स्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह जानना रोचक है कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। एक आप लोगों ने कार्बन डेटिंग सुना होगा, ठीक है? तो उसी तरह से एक तरह से यह भी है। जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं? आइए 10 करोड़ यानी कि आप देखेंगे 100 मिलियन वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ आकिस कशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्रित होती है जाती है और तथा अधिक ताव दबाव दाब के कारण चट्टान बन जाती है। कुछ मिलियन वर्षों के बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है या मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है। तो पहले वाले आकसूर कशेरुकी जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है। फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस श्रेणी में क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। इसके काफी समय उपरांत मृदा अपरदन, मान लीजिए जल प्रवाह के कारण कुछ चट्टानों फट जाते हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम
गहरी खुदाई करते जाते हैं, वैसे वैसे पुराने अथवा और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते रहते हैं। और एक और आप लोगों ने देखा होगा, ये तो आपके आसपास भी देखा देगा दिया होगा, कई बार आप खुदाई करते हैं तो मानव कंकाल कंकाल मिलते हैं उसमें, कई जीवों के शरीर के एक तरह से भाग भी मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वही है कि पहले आने ये कोई उत्पत्ति नहीं हो गई है, पहले से दबे रहे उन्हीं का परिणाम है। अब बात करते हैं विकास के चरण। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आंख का चयन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है। निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ हुआ, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण है। एक बीज का चरण यानी कि 9.11 प्लेनेरिया नाम के चपटे कृमि की अति सरल आंखें होती हैं, जो वास्तव में नेत्र बिंदु हैं जो विकास को पहचान सकती हैं। जैसे कि अभी अल्प वर्धित अंग किसी सीमा तक उपयोग हो सकते हैं या योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है, वास्तव में पंख की तरह आंख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती है, उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी में भी तथा आंख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकास की उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कलांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए पर जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कलांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए बनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित थे। यह डायनासोर परिवार का छोटा डायनासोर है, ठीक है, इसे देख रहे हैं आप लोग। डायनासोर की इस अस्थियों के साथ परों की छाप भी परिरक्षित हो गई थी, और यहाँ हम अग्रबाहु पर स्थित परों की छाप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जीवाश्मों के शीर्ष परों पर निकट चित्त या डायनासोर उड़ने में असमर्थ थे। यह संभवतः है कि परों के विकास का उड़ने से कोई संबंध ना रहा। एक तरह से डायनासोर और परों का विकास है। यहाँ इसका उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। यह सत्य है कि जीवाश्मों में अंगों की संरचना का विवेचन हम यह अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस पे क्रम के उदाहरण उपलब्ध हैं? जंगली गोभी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 2000 पूर्व में मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसके चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की, और परंतु यह प्राकृतिक वर्ण ना होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकोली विकसित हुई अथवा बंद गोभी से फूल गोभी विकसित हुआ। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया, केल तथा केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसे सोच सकते थे कि उपयोग सभी समान जनक से विकसित हुए हैं? यहाँ आप लोग देख सकते हैं जंगली गोभी का विकास, एक गांठ गोभी हो गया, ये आपको जंगली गोभी, इससे केल, लाल गोभी, गोभी, ब्रोकोली, ये ब्रोकोली है, ठीक है, ये फूल गोभी आप लोग देखते हैं, ये पत्ता गोभी भी जानते हैं आप लोग, ठीक है। विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। वह विचार था कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पीसीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीसीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए हैं। विकास की संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। इस पॉइंट को भी देख लीजिए, टॉपिक एक पैराग्राफ दिया गया है। आणविक जातिवृद्ध, हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। दूसरी बात यह हुई कि यह परिवर्तन
उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित हो जाएंगे। क्या हम समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि परिवर्तन किस समय हुई? आणविक जातिवेद वास्तव में यही करता है। इस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये भिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। इस प्रकार के अध्ययन विकास के संबंधों में को खोजते हैं तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवेद द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण से सम्मिलित होते हैं, जिसके विषय में हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को इतने ध्यान से पढ़ा करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हर टॉपिक आपका, ठीक है? तो इसीलिए तो आपको क्रम से पढ़ने के लिए कहा जाता है, पहले 6 पढ़िए, 7 पढ़िए, 8 पढ़िए, वरना आपको डायरेक्ट आप 10th में चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। स्पीसीज के वंश वृक्ष की कड़ियां टूटने ढूंढने कि इस प्रयास में हम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली स्पेक्ट्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है, अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है, भृंग के उदाहरण में देखा था हम लोगों ने। नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि पहली विलुप्त हो जाए, यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीसीज अपने पूर्वज से उत्तम ही हो, केवल प्राकृतिक वर्ण एवं अनुवांशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीसीज के समान जनन के साथ जनन में असमर्थ हैं। अतः उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ है, वरन पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही के पूर्वज समान थे, वे ना चिंपैंजी की तरह थे और ना ही मानव की तरह थे। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों से विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हुई हो, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीसीज का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक स्पीसीज का वर्तमान स्वरूप मिला है। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है, विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व प्राचीन अभिकल्प अदक्ष हैं, अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत अथवा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। अब देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए, इसमें इस टॉपिक में आपको दिखाया है सब कोई शब्द जो समझ में ना आया हो, अगर ऐसा दिखा है आप लोग बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, मैं बार बार एक शब्द को दोहरा रहा हूं कि आप खुद से पढ़ते हैं तब भी आप लोग मुझे लगता है और बेहतर पढ़ पाएंगे। बात करते हैं मानव विकास की, तो मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था, यथा उत्खनन समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती ग्रह पर मानव के रंग रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की पहचान की बात करते थे। आमतौर पर त्वचाकरण इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कुछ को पीला, कुछ को काला, सफेद या फिर भूरा कहा जाता था। लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आबादी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि इन आवासीय प्रजातियों का कोई जैविक आधार भी नहीं है, सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। केवल यही नहीं है कि हम पिछले कितने हजार वर्षों से कहां रह रहे हैं, बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। आप समझिए कि हमारा सबका अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं ना आप लोग, जब हम लोगों ने मैप्स कवर किया था आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कवर की हुई थी, उस समय पूरा मैप्स का आपका पार्ट कवर किया, आपके सभी महाद्वीपों को, सभी देशों को, सब कुछ जान चुके हैं उसमें। मुझे लगता है कि वर्ल्ड एक तरह से विश्व भूगोल का आपका 70-80% कवर भी हो चुका है उसमें। मैप्स का एक तरह मैप्स की सहायता लेने से ये फायदा रहता है कि आपको भूलता नहीं है, ठीक है? आधुनिक मानव स्पीसीज में होमो सेपियंस
कि सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है, हमारे अनुवांशिक छाप को काल गर्त में अफीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहां के मूल निवासी पूर्वी अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह संचार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिमी एशिया तथा वहां से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया, वहां से उन्होंने इंडोनेशिया की द्वीप तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुंचे क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्भव से सफर नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए यानी कि अलग हुए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकार में परस्पर मिल गए, आकर मिल गए। आने जाने जाने आने का वह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र की थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। ये भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक तरह से आप समझिए कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय लोग कई देशों में फैल चुके हैं, अधिकतर देशों में आपको देखने को मिलेंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सोचिए कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी देशों के राष्ट्रपति या जो भी राष्ट्र प्रमुख हों हमारे ही देश के बनेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये भारतीय लोग हैं, वहां से आए थे, यहां बस गए, यहां इन्होंने एक तरह से कब्जा करके इनकी ही सरकारें चल रही हैं। तो एक तरह से इसी तरह फैला हुआ है। आपने क्या सीखा है? जन्म के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो पितिरूप होते हैं। इन पितिरूपों के एक समान ना होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीसीज यानी कि जाति में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाला गुणसूत्र एक्स लड़कियों के लिए और वाई लड़कों के लिए किस प्रकार है। एक तरह से आप कहिए कि आपके पिता ही का योगदान रहता है, माँ का भी रहता है, लेकिन माँ की कोई गलती नहीं रहती है, ठीक है। स्पीसीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती हैं तथा अथवा केवल अनुवांशिक विचलन में योगदान देती हैं। कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। विभिन्नताओं के भौतिक पार्थक्य के कारण स्पीसीकरण हो सकता है। विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज से हमें अंदाजा होता है कि समय के किसी बिंदु पर अजैव पदार्थों से ने जीवन की उत्पत्ति की है। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीसीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ है। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे वो कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास से अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए गए, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भलीभांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, जिनका उदय अफ्रीका में हुआ और कई चरणों में आप देखेंगे विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसी टॉपिक से। इसकी PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से आप लोग आराम से इसे डाउनलोड करके और रख सकते हैं और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, आपका 9वां चैप्टर था। 10वें चैप्टर में हम लोग मिलते हैं विकास, परावर्तन और अपवर्तन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करते हैं।